अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का 17th लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। दो न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, थर्ड वन आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, यानी कि हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में मालूम करना है। कौन सा वेक्टर है ये? ए वेक्टर दिया गया हमें। क्या बताया गया है? ए वेक्टर दिया गया है और उसके कंपोनेंट्स हैं 4i + 3j, यानी कि ये एक्स कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट है। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने क्या मालूम करना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था कि ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम गिवन क्या चीज़ है, हमें एक वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? वेक्टर। तो वेक्टर ए दिया हुआ है तो उसके वही हम लिख लेंगे, ये ही हमें क्या है बेटा, गिवन है। समझ आ गई? अब हम देखेंगे टू फाइंड हमारा क्या है। टू फाइंड तो हमने मालूम करना है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका? ए का। यूनिट वेक्टर ऑफ ए लिख लें इसको, ए के ऊपर भी वेक्टर डाल लेंगे। तो ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसके ऊपर क्या डाल देंगे? कैप। क्या डाल देंगे बेटा? ए हैट कहते हैं, या इसको ए कैप भी पढ़ लेते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि हम कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ज़रा देखिएगा, ए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरे उसके साथ क्या चाहिए बेटा हमें, डायरेक्शन, जो कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम लिखते होते हैं बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर का फार्मूला बनाना चाहें तो इस मैग्नीट्यूड को जा क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर वैसे का वैसा, और डिवाइड कर देंगे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को पर बेटा। ये कैसे कह देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 बेटा। ठीक, अब ज़रा देखिएगा, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है बेटा, क्या है? ए वेक्टर तो हमें गिवन है, इसको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, इन मैग्नीट्यूड पहले हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, मालूम। एज़ वी नो दैट, कि भाई अगर ए वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा, वो क्या है बेटा? ए एक्स का स्क्वेयर प्लस ए वाई का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट बेटा। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन दिस इक्वेशन, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे बेटा। ए एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ज़रा देखिएगा, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बेटा, ए एक्स कंपोनेंट क्या है इस ए वेक्टर का? 4। हमने कहा था आई और जे का स्क्वायर नहीं लेंगे, और फिर इसी तरह बेटा वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? 3। तो ये बन जाएगा बेटा कुछ इस तरह से, तो बन गया बेटा 4² 16 + 9 25 बन जाएगा बेटा, स्क्वेयर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा? 5। ठीक है, अब ये वाली 5 मैग्नीट्यूड हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करने के बाद वो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बेटा? बिकम, हाँ बेटा, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i। अब देखो बेटा, इसके साथ i लिखेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा वेक्टर है। ए वेक्टर पूरा, 4i भी उसमें शामिल है, प्लस 3j भी उसमें शामिल है बेटा। ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 3j डिवाइड बाय 5। मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दिया है, अब हम इसको अलग ऐसे छोड़ दें, ये भी है बेटा। ठीक है, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 4/5 i यूनिट वेक्टर प्लस 3/5 j यूनिट वेक्टर। ये ए वेक्टर की बेटा हमने क्या मालूम कर ली है? यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया है बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। अब हम देखते हैं कि फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या कहता है। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट दिस पोजीशन, यानी कि एक पार्टिकल है जो कि इस पोजीशन पर रखा हुआ है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये लोकेशन को डिफाइन कर रहा है किसकी, एक पार्टिकल की बेटा। बात समझ आ गई? ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं तो एक पोजीशन, एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर ये है और दूसरे पार्टिकल पोजीशन वेक्टर ये है बेटा, रिस्पेक्टिवली दो पार्टिकल्स के दो पोजीशन वेक्टर बताए हैं। ठीक है, फाइंड द बोथ, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड
आपने दो चीज़ें मालूम करनी है, क्या क्या मालूम करना है बेटा? एक तो मैग्नीट्यूड मालूम करना है किसका, ऑफ वेक्टर आर टू माइनस आर वन का, यानी कि इस वेक्टर में से इस वेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो एक और नया वेक्टर आ जाएगा, उस वेक्टर का आपने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड एंड इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, एंगल, क्या मतलब होता है बेटा, एंगल, एंगल मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये दो चीज़ें मालूम करनी है बेटा। बात समझ आ गई, स्टेटमेंट समझ आई या नहीं आई? जब स्टेटमेंट समझ आ गया तो हमारे लिए काम करना आसान हो गया बेटा। पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे, गिवन क्या चीज़ें हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स, वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल कर लें तो वो बेटा आर वन है और वो हमें गिवन है 3i + 7j बेटा। बात समझ आ गई। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड पार्टिकल, वो बेटा आर टू होता है और वो कितना है बेटा, -2i + 3j बेटा। बात समझ आ गई। ये दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, आपने मालूम क्या करना है, टू फाइंड जो है आपका बेटा वो दो चीज़ें हैं, वो क्या हैं बेटा, सबसे पहले तो आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू माइनस आर वन वेक्टर, इस वेक्टर को हम कोई नाम दे देते हैं बेटा आर का, क्या नाम दे देते हैं, आर वेक्टर का। अब आर वेक्टर तो ये हमने मालूम नहीं करना, इस आर वेक्टर की क्या मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड, तो बेटा इसको हम कर देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज़ बेटा हमने जो मालूम करनी है वो है ओरिएंटेशन, एंगल मालूम करना है, ओरिएंटेशन ऑफ आर टू माइनस आर वन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी कि थीटा मालूम करेंगे एंगल बेटा। बात समझ आ गई। अब हम करेंगे सॉल्यूशन, एज वी नो दैट, फर्स्ट पार्ट का बेटा सॉल्यूशन करते हैं, एज बेटा क्या है हमें मालूम है, हम कहते हैं लेट कर लेते हैं कि भाई लेट आर जो वेक्टर है वो बराबर है आर टू माइनस आर वन के बेटा। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया अपनी तरफ से, एज्यूम कर लिया बेटा, कोई वेक्टर आएगा ना तो हमने कह दिया आर वेक्टर आएगा, क्या आएगा बेटा, आर वेक्टर आएगा। समझ आ गई। अब इसमें आर टू और आर वन की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ आर टू एंड आर वन, ये हमें गिवन है बेटा। समझ आ गई। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर टू की वैल्यू क्या है, ये वाली -2i + 3j बेटा, माइनस, अब जब माइनस लगाएंगे तो इधर लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, तो अब आर वन की वैल्यू पुट कर देंगे 3i + 7j बेटा। बात समझ आ गई। इस नेगेटिव को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये बनेगा -2i + 3j - 3i - 7j बेटा। बात समझ आ गई। अब आई वाले से हम ऑपरेट करेंगे, जे वाले के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ये आई वाला -5 बन जाएगा, -5i - 4j बेटा। बात समझ आ गई। अब हमने ये वेक्टर हमारे पास आ गया आर, ठीक है, अब इस वेक्टर की क्या मालूम करनी है हमने, मैग्नीट्यूड, क्या मालूम करनी है बेटा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, हमें फार्मूला पता है कि आर वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड अगर हमने मालूम करनी है तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर बेटा, ठीक है, यहीं पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 - 5 का स्क्वायर, तो ये माइनस लगाएंगे इसके साथ, ठीक है, -4 का स्क्वायर बेटा, ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास थी, -5 और -4, इनको अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा बेटा, 25 - 16 तो 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 41 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड की, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया बेटा, फर्स्ट पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन की आपने मैग्नीट्यूड मालूम की है, जिसको हमने नाम क्या दे दिया बेटा, आर का,
क्यों, आर की मैग्नीट्यूड मालूम कर लें या आर टू माइनस आर वन की मालूम कर लें, एक ही बात है बेटा। बात समझ आ गई, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया इसमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब सेकंड पार्ट हमने क्या करना है बेटा, एंगल मालूम करना है। तो हम देखते हैं सेकंड पार्ट में हम क्या मालूम करेंगे, एंगल। अभी आपने एंगल का फार्मूला देखा होगा, वो क्या था फार्मूला बेटा, अब हम ज़रा चेक करेंगे हमने किसका एंगल मालूम करना है, आर वन का या आर टू का। शाबाश, यहाँ लिखो देखा हो बेटा, आर टू माइनस आर वन का मालूम करना है। आर टू माइनस आर वन का हमने क्या नाम रखा हुआ है, आर। आर का हमने दरअसल क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब मुझे देख के बताओ आर, जो आर वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहे हैं, थर्ड में हम थीटा एंगल मालूम करते होते हैं पहले या फाई एंगल मालूम करते होते हैं, पहले फाई एंगल मालूम करते होते हैं बेटा। बात समझ आ गई, तो हम ज़रा देखते हैं बेटा, हम कहते हैं वी नो दैट जो आर वेक्टर जो है ना बेटा, लिख लेंगे लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ आ गई, आर वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पता चला कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो अब इसका एंगल कैसे मालूम करेंगे, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। बेटा बात समझ आ गई, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमने फार्मूला पहले ड्राइव किया हुआ बेटा, ठीक। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वैसे का वैसा, और आर वाई की वैल्यू क्या है बेटा, फाइव फोर बेटा सॉरी और फाइव। अब देखो बेटा, जब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं ना, तो साइंस नहीं लगाते होते, साइंस को निगलेक्ट कर देते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में ना, जब हमने फार्मूला ड्राइव किया था तो हमने कहा था साइंस नहीं लगाएंगे यहाँ पे बेटा, ठीक। तो साइन के बगैर उसकी कंपोनेंट्स लिखेंगे। अब इसका ज़रा करो, ज़रा कैलकुलेट के क्या आंसर आता है आपके पास इसका, फोर ओवर फाइव को करो और उसका टेन इनवर्स लो बेटा, जल्दी से मुझे दिखा दो, मैं लेता हूँ। तो ज़रा देखिएगा, हम पहले क्या करेंगे, फोर ओवर फाइव मालूम कर लेते हैं, फोर ओवर फाइव कितना आता है हमारे पास, फोर ओवर फाइव का आंसर आता है 0.8। क्या आता है बेटा, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.8। अब टेन इनवर्स कैसे लेते होते हैं ज़रा देखिएगा बेटा, हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर हम क्या करेंगे टेन का बटन दबा देंगे, तो इसका मतलब है टेन इनवर्स बेटा लिखा हुआ जाता है। फिर किसका टेन इनवर्स लेना, 0.8 का, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 38 डिग्री, फाइव इज इक्वल टू 38 डिग्री, 38.65 डिग्रीज बेटा, ये फाइव एंगल आ गया। अब ये फाइव जो एंगल होता है ना, ये जो फाइव एंगल होता है ये बेटा कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, किसी को ये पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस से। क्या होता है बेटा, नियरेस्ट एक्स एक्सिस से बेटा। बात समझ आ गई, लेकिन हम जो ओरिएंटेशन मालूम करते हैं वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मालूम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन बेटा, एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो एंगल होता है थीटा। वो क्या होता है बेटा, थीटा। अब वो एंगल कैसे मालूम करेंगे फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है ये वेक्टर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट तो बेटा ज़रा देखिएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाइव। बेटा बात समझ आ गई, तो इसको सॉल्व करें ज़रा, तो ये हमारे पास 180 डिग्री प्लस 38.65 डिग्रीज, इसको हम ऐड कर लेते हैं अगर इसमें प्लस, तो बेटा ये बन जाएगा 218.65 डिग्रीज बेटा, ये थीटा एंगल आ गया। ये ओरिएंटेशन मालूम कर लिया हमने, क्या मालूम कर लिया बेटा, ओरिएंटेशन मालूम कर लिया किसकी, आर वेक्टर की। अब ज़रा देखो कैसे पता चला था हमें, ये एक्स पॉजिटिव ये एक्स वाई ये इस तरह से बेटा, ये अगर हमारा वेक्टर यहाँ लाया कर रहा है तो ये जो फाई एंगल है वो ये वाला एंगल है बेटा, नियरेस्ट एक्स एक्सिस से बेटा। बात समझ आ गई, थीटा जो एंगल है वो ये वाला एंगल होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा। बात समझ आ गई, ये हमने बड़ा डिटेल के साथ पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आंसर यही है, कुछ और है, इसको राउंड अबाउट कर दिया, इसको हम कर लेते हैं बेटा राउंड अबाउट 219 डिग्री बेटा। तो हमने एक तो एंगल मालूम कर लिया और साथ में उसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम की है बेटा, वो कितनी है,
41 स्क्वायर रूट बेटा। अब हम देखते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल जिसमें जिसके स्टेटमेंट को समझते हैं क्या कहते हैं हमें। इफ़ वेक्टर बी, एक वेक्टर बी है हमारे पास इज एडिड, जिसको हमने क्या किया है ऐड किया है टू वेक्टर ए, यानी कि बी वेक्टर को ए वेक्टर में क्या कर दिया हमने ऐड, यानी ए प्लस बी कर दिया है। ठीक है, यानी कि हम लिख देते हैं ए प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को क्या कर दिया उन्होंने ऐड, जिसका रिजल्ट क्या आया बेटा, द रिजल्ट इज दिस, क्या बराबर है बेटा 6i + j, इस तरह से। ठीक है, ए प्लस बी करने का रिजल्ट क्या आ गया ये। अब वो कहता है इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड, बी को क्या कर रहे हैं बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फ्रॉम ए, यानी कि बी को माइनस किया किस में से बेटा ए में से। तो ज़रा देखिएगा इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी, समझ आ गई। द रिजल्ट इज दिस, रिजल्ट क्या आ गया बेटा -4i + 7j, समझ आई। तो अब वो पूछता क्या आपसे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मालूम करने किसकी बेटा आप जाने ए की, ए की मैग्नीट्यूड मालूम करने, बी की मैग्नीट्यूड मालूम नहीं करने बेटा, बात समझ आ गई। तो टू फाइंड हमारा क्या है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर के गिर्द आप क्या लगा देंगे मॉड। तो आप जानते हैं क्योंकि आप समझ आ रहे हैं, तो अब ज़रा देखना बेटा हमें ए वेक्टर पहले मालूम करना पड़ेगा, ए वेक्टर जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी नहीं मालूम कर सकते, समझ आ गई। तो ए वेक्टर किसी तरह हमें तो ए वेक्टर की वैल्यू तो नहीं दी हुई कहीं पे भी, ए प्लस बी यानी ए और बी को इकट्ठा किया तो ये बन गया, ए में से बी को निकाल दिया तो ये आंसर आ गया बेटा। ए वेक्टर खुद बजाते खुद नहीं दिया हुआ, ना ही बी दिया हुआ हमें बेटा। ठीक है, हमने ए वेक्टर मालूम करना किसी तरह, हम करेंगे इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 बेटा, बात समझ आ गई। हम लिखेंगे एडिंग, ऐड कर देंगे बेटा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड कैसे करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी बेटा ए प्लस बी को किस में ऐड कर देंगे ए माइनस बी में बेटा, समझ आ गई। इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी बेटा 6i + j - 4i + 7j बेटा, बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखना बी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये बी एक वेक्टर है ये उसका नेगेटिव वेक्टर है, दोनों को आपस में कर दें तो आंसर क्या आता है नल वेक्टर बेटा। ठीक है, जो कि हम लिखेंगे नहीं। अब ये ए प्लस ए ये क्या हो जाएगा 2a, बात समझ आ गई। तो अब हम ये साइड तो हमारी होगी सॉल्व, अब इस तरह देखते हैं बेटा क्या बनता है। हमें पता है कि आई वाले से हम ऑपरेट करवाते हैं और जे वाले से, तो आई वाले से करें तो 6 - 4 - 2i प्लस ये बेटा 1 + 7 - 8j बेटा, बात समझ आ गई। अब ज़रा देखो कि अगर इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन देखें, कोई चीज़ नज़र आती है कॉमन, 2 तो आपने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया आई प्लस 4j बेटा, बात समझ आ गई। इधर क्या है 2a वेक्टर, अब ये 2 इस 2 से क्या हो जाता है, अब आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया a वेक्टर बेटा, जो कि आपको चाहिए था, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है a वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो आप तो जानते हैं कि भाई a वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं, कोई बच्चा फार्मूला बताएगा ax² + ay² √ बेटा। ठीक है, तो आप ज़रा देखिएगा कि हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं कि ए एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो बेटा 1 + 16 √ तो आंसर क्या आ जाएगा 17 √ बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई जो कि आपने मालूम करने थे बेटा, बात समझ आ गई। कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब बेटा देखो जो अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें हमने क्या किया था दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, और उनकी मैग्नीट्यूड भी मालूम की थी और उनकी डायरेक्शन भी मालूम की थी बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस क्वेश्चन नंबर 6 में यही कुछ करना है आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था बेटा। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।